क्या बात है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। खेसारी लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी। अच्छा खेसारी लाल जी, आपके बारे में सुना, आपका नाम पहले शत्रुघ्न था। हाँ था, लेकिन अब है नहीं। तो ऐसे बदल क्यों लिया आपने, मतलब क्यों? हमने नहीं बदला। अच्छा। किसने बदला फिर? लोगों ने बदल दिया। तो ऐसे क्यों, मतलब क्यों बदल दिया? हमको बीमारी है ज्यादा बोलने का। अच्छा, आप ही की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा, आपको मतलब मेरे को बीमारी है? एक हमारे यहाँ खेसारी होता है, वो खाने से पेट खराब होता है। अच्छा, दाल होती है। मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लूज मोशन। अच्छा, तो वही एक दाल होता है। अच्छा, तो बिना खेती कहीं भी छीट दीजिए तो बराबर अन्न देता है वो। अच्छा, तो हम कहीं भी रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। अच्छा, इसकी वजह से मैं पहले रामायण महाभारत गाता था तो झाल बजाता था, 10 रुपए मिलते थे मुझे। अच्छा जी, तो 10 रुपए मिलते थे, पूरी रात बजवाते थे सब। तो मैं बीच बीच में बहुत बोलता था, उसके वजह से मेरा नाम सब खेसरिया रख दिया। तो तब से ठीक है। क्या बात है, ठीक ही रहना चाहिए। अच्छा निरहुआ, आपसे भी एक सवाल है जी। हमने जैसे हवा सुना है जी, वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आप। बहुत खुश है। अच्छा, हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी। बहुत लोग जो नहीं सुने हैं, जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था। अच्छा जी। बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से। अच्छा जी। तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया, स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए। तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल दिया निहुर दी। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था। हाँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरुआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी, आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। अमरपाली, आपका नाम भी अमरपाली है? नहीं, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, तीन लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से अमरपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला, तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती है पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा, तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है निरहुआ जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो है जो रिक्शा चालक है, यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का। यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है, मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था।
रबड़ वाला पैंट इलास्टिक। अच्छा इलास्टिक वाला। हाँ हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे एक लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें 2 पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था। कैसे 10 रुपये क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा तो 10 रुपये मिलता था तो भादों के मेला में जाता था। अच्छा और जिलेबी खाता था। अच्छा और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा रास्ते में इनको याद आया। अच्छा कि 10 रुपये चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा अब क्या करूं? अब जो दूध का डब्बा था तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी हाँ। वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर देख के डब 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 भर लिए, भर के उसको बंद करके पहुँच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेंढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेंढक का बच्चा कूदा वो जो है दूध फेंक के भागे, क्या कर रहे हो ये कैसा दूध है, इसमें से मेंढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपये का दूध लोगी, मेंढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।